देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं युक्ति सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे मामले में गुरुवार को पहली बार सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 73 वर्षीय महिला के घर में लूट और आगजनी करने के आरोपी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल 3 अगस्त को यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। मुकदमे के दौरान आरोपी यादव ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और बेगुनाही का दावा भी किया था। आपको बता दें, ये मामला दिल्ली के गोकुलपुरी का है, जहां 25 दिसंबर 2020 को मनोहरी नाम की महिला के घर में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी। दंगई उनके मवेशी तक चोरी कर ले गए थे। अपनी जान बचाने के लिए 70 साल की मनोहरी छत से कूदी और एक हिंदू परिवार के घर में छिप गई। उसके बाद उनके परिवार को पुलिस किसी तरह बचाकर ले गई और पूरा परिवार 2 हफ्तों तक दिल्ली से बाहर रहा। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली के गोकुलपुरी का ही रहने वाला है, जिसने पड़ोस में रहने वाली 73 वर्षीय महिला के घर में लूट और आगजनी जैसे अपराध को अंजाम दिया था। हालांकि यह मामला ऐसा पहला है जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी आरोपी को सजा सुनाई गई है, जबकि इससे पहले एक और दंगे मामले में आरोपी बरी कर दिए गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।